देश को बेच देंगे। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है, जिस तरीके से मोदी सरकार ने कहा था 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आज वो 70 साल की पूंजीपति बनाई हुई कांग्रेस पार्टी की ये देश की बेचना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, कोई भी पूंजीपति हो, इसको मोदी सरकार बेचने का काम कर रही है। हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। युवा साथी, युवा कांग्रेस का साथी इस देश को बिकने नहीं देगा। चाहे हम पे लाठियां बरसाओ, चाहे हम पे कुछ भी बरसाओ। हमारे साथियों पे कल किश्तवाड़ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। किश्तवाड़ के अंदर हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ जाना पड़ा और हमारे आगे थोड़ा वीर साहब को साथियों के पास जाना पड़ा। आगे आगे हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। चलो आगे। और ये देश को बिगड़ने नहीं देंगे। चलो चलो चलो। मुबारक मंडी के बारे में क्या कहेंगे आप? उस मुबारक मंडी के बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सर मुबारक। ये आप देखिए, कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी भी गिरफ्तारी करके जो है इसमें गिरफ्तार किया गया है। इस देश को बिकने नहीं देगा। इस देश की बनाई हुई पूंजीपति को हम बिकने नहीं देंगे। युवा कांग्रेस दिल्ली से लेके सरकार कह रही है कि फायदा होगा प्राइवेटाइजेशन से। हाँ फायदा होगा भाईजान, अगर आप प्राइवेट को दे रहे हो कहाँ फायदा होगा? आगे बेरोजगारी बढ़ी हुई जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर। हम इसे बिकने नहीं देंगे, हम इसे झुकने नहीं देंगे। भारत माता की जय। इस तरह से साफ तौर से मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें अभी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार जो है वो किया गया है। और लगातार भाजपा के खिलाफ नारेबाजी जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। हम देश को बिकने नहीं देंगे। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो युवा कार्यकर्ता थे, उन्होंने आज एग्जीबिशन ग्राउंड के बाहर आज यहां पर जोरदार यहां पर प्रदर्शन किया, और साफ तौर से भाजपा के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की गई, और साफ तौर से भाजपा पर यह आरोप लगाए गए कि वो देश को बेच रहे हैं, वो हम कभी नहीं होने देंगे। तो उसके बाद आज कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर हुई, और लगातार कांग्रेस जो है वो भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है कि आज जो देश भर में महंगाई जो है आसमान छू रही है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। भाजपा की गलत नीतियों की वजह से आज महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, और देश को बेचने का काम जो है वो मोदी सरकार कर रही है। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लगाए, जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उन सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बन रहे पब्लिश के साथ, धन्यवाद।